तो लो जी, नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है शर्मा जी विलेज लाइफ में। और ये देखो, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है ना। नीरू ने वैसे तो टी शर्ट ही पहन रखी थी और ऊपर से तौलिया लगा रखा है। और शिवांश नैनी के स्कूल के जाने का समय हो गया है, तो रेनू पराठे बना रही है। ये सुबह सुबह रोटी खा के चले जाएंगे, स्कूल में टिफिन लेके जाएंगे। आज की सुबह का सबको, आज वार है सोमवार शिव शंकर भोले भंडारी का, और तारीख है 17 अक्टूबर। ओके, सभी को प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम, राधा स्वामी, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद और जय भारत। और कल एक बच्ची है किंशु, किंशु वो कह रही है मम्मा दूसरे शर्मा जी आ गए। तो भाई ये दूसरा शर्मा जी आ गया है, इसके लिए बोल रहे थे। और अभी मैं सबसे बोलना चाहूँगा, ये जो चार पांच कमेंट आए थे कल, तीन चार कमेंट आए थे कि बात सही भी है, गलत नहीं है उनकी। और मैंने भी कुछ गलत नहीं बोला था। जैसे मैं मान लो वो योगा वगैरह सुबह सुबह थोड़ा वड़ा करता हूँ ना, वैसे मैं मेरी जान पहचान में ठीक ठाक ही करता हूँ। लेकिन फिर वो बता रहे थे, वैसे तो शायद उन्होंने सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने मतलब जल्दी जल्दी देखा ना, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी तब हुआ। लेकिन फिर भी चलो ये बंद कर देंगे, अपने तो देसी अपने जो हैं व्यायाम, थोड़ा घूमना वूमना यही चीज़ रखेंगे, क्योंकि ये भी सही बात है, अगर योगा वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ तो उनका गलत इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, उल्टा फ़ायदा करने की बजाय प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई बात नहीं, सॉरी आपसे थोड़े वैसे करेंगे। इंसान है जो कि कल परसों कह रहे थे कि इसकी टहनी क्यों काट रहे हो, सेम वही तरीका आज आपको मैंने दिखाया है। एक दो तीन मोगरा है मेरे पास, ठीक है, तीनों मोगरे में से इसका घास मैंने नहीं निकाला जो नीचे उग गया है इसमें। ये बेचारा बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि घास जो है ये ज़्यादा नकटा है मेरे जैसे, जहाँ भी मिलता है पहले यही खा लेता है, खुराक मिलती है ये पूरी ले लेता है, इसको बेचारे को कहाँ से मिलेगी खाद वगैरह। तो ये बात है मेरे भाई, गमलों के अंदर पेड़ों की जो साइड की टहनी चलती हैं उनको निकाल दो और घास वगैरह निकाल के रखो, फिर वो जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद जी। जब वो है ना नया नया गाबा पर आए कहते सियाना देखिए वो मेरा गाबा खिसा के ही पहली आदमी मतलब बानो बना हुआ कांच को यो कांच पड़े हो फिन कहाँ रह गई, मेरे को पता फिन कहाँ गई। फिर आजकल तो चाला पाड़ दिया, कमाल कर रहे हो कमाल। नीरू क्या चक्कर हो यो, मेकअप सू तेरो चेहरो ही चमक मेकअप। देख आप लोगों की, मैं तो आदमी माना चाहे मेकअप में दिखा लो, बिना मेकअप में दिखा लो। ओ हो की बात है, मेरा ज्यादा टाइम लगाओ तो क्या यार, टाइम लगाओ मुंह दिखा दो चाहे मेरे, मैं कद सी रोकूं भाई, मत दिखाओ। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये गाना जो है ना बिल्कुल सही निकला था कि तेरा चेहरा ही चमका मेकअप सू, आज इसी पे डांस होने वाला है, इसी पे करेंगे आज। हो रही है तैयार, बनियान निकाल दो रे, किसको कर दो, क्यों कर दो, नहीं बनियान निकाल दे, मैं क्यों काटू, तू काट पहले तू ही हजना खड्डा करना। तो ये देखो जी, श्रीमती जी ने आज व्रत किया था, होई अष्टमी जो होती है ना उसका, तो उसी के लिए अभी मैंने यहाँ पे, वैसे तो मजाक कर रहे थे मैं और नीरू, लेकिन मैंने इसलिए कम कर दिया कि इसने गाना चला रखा था और फिर इसने गाना बंद। देखा कल, देख कल नीरू व्रत दुनिया कर है, मैं भी 9 दिन तक रोटी कौन खाई, दोपहर तक रोटी व्रत करे है, और देख चौकी नारी लगाई है, चौकी के ऊपर खानो धरे है। ओहो ओहो ब्याह का तो मैं भी हाँ, मारे कौन ब्याह गए, सोफा बिठा रहा का सारा दिन लड़नो, चौकी की लकड़ी की चौकी की तो इज्जत या ब्याह में दी, जक्का का साग ब्याह करे की कोई इज्जत नहीं, ले भाई ब्याह खाने की इज्जत को लेना, बताओ लड़ाई ना करना, मतलब लड़ाई करना इज्जत का मुझे और के
कोई दुनिया में एक आदमी दिखा दे जैसे तू लड़ाई लगा है जाओ बोला कमाए लड़के आओ सिर सर फुड़वा के आओ जा लोग लुगाई में बुला रही हूं लोग लुगाए की कुमार वो गाना चला रखा है इसने हैं बोलो वो भाई रहा उधर हो गया भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। ये देखो जी भंवरा अपने फूलों में भंवरा और मधुमक्खियां बड़ा ही आनंद ले रही हैं और यहाँ से रस बीन बीन करके और अपना पेट भरण पोषण कर रही हैं। वाह क्या बात भंवरो आया भंवरो तो ये देखो जी सायंकालीन समय हो गया है और सायंकालीन समय में सबसे पहले देखो नीरू आंच जला रहा है चूल्हे पे, क्योंकि शाम को आजकल मतलब खाना चूल्हे पे ही कन्फर्म बनता है और अभी ठंड चालू हो जाएगी तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कुछ बंदोबस्त करने का यहाँ पर, कि ऊपर कुछ या तो टीन वगैरह या फिर कुछ और कोई जो तिरपाल आता है ना वो उस तरीके का डालेंगे, जिससे कि सर्दी के अंदर क्या है कि वैसे भी बाजरे की रोटियां गरम गरम खाने में मज़ा होता है और गर्मियों में तो जल्दी वो लेट सेट हो जाता है उसके चक्कर में बहुत वो होता है टाइम, सर्दियों में बहुत सही रहेगा। इसलिए हम करने वाले हैं कुछ अलग से प्लानिंग और उसी के साथ में ये देखो आज ये जो जानवर ये जो आपको दिख रहे हैं ना बीच बीच में, ये क्या है कि जानवर आ रहे हैं ना कीड़े मकोड़े जो भी बोलते हैं लाइट के पास में आते हैं वो आ रहे हैं और कुछ कमेंट भी आ सकते हैं शर्मा जी इन जानवरों के साथ आते हुए कैसे आपने खाना बनाया। तो हमने क्या किया कि ये जो वल्फ था ना, और सबसे मैंने ये दिख किस लिए रहे हैं कि हमने ट्राईपोर्ट में ही कैमरा लगा रखा है और उसी ट्राईपोर्ट पे वल्फ लगा रखा है जो टेम्परेरी वल्फ है, तो इसीलिए ये एकदम से कैमरे के पास ही हैं तो इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं, नहीं तो इतने ज़्यादा नहीं थे, कोई बहुत कम थे थोड़े बहुत, अब ये घूमते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और आज बाजरे की रोटी बनने वाली है, उसी के साथ में कुछ ऐसा ही मन था कि जोड़ वाली सब्जी बना के खाएं, और वैसे भी बाजरे की रोटी के साथ तो सूखी सब्जियां तो जैसे गंवार फली हो या फिर ऐसी एक दो सब्जी ऐसी हैं जो सूखी अच्छी लगे, नहीं तो जोड़ वाली सब्जी और उसमें चूर चूर के मतलब बिचूर करके मतलब मोर करके खाएं ना तब मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो वही चीज़ हमने डिसाइड किया है कि आलू की सब्जी, मैंने इधर आलू काट के और आलू धोए हैं और टमाटर काट रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, प्याज वगैरह भी नहीं डालेंगे, बहुत बार एकदम मतलब बिना मसाले वाली सब्जी खाने का मूड होता है ना, तो आज वही बनने वाली है। हमने सिर्फ आलू और एक टमाटर और उसमें जीरे में छुकन दिया है और नमक मिर्च और हल्दी, सिर्फ इतनी ही चीज़ डाला है बाकी कुछ भी नहीं डाला है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली। टेस्टी तो इसलिए हो जाएगी ना यार, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि चूल्हे के ऊपर अगर कुछ भी बनाएंगे खाना तो सच में मैं तो मेरी बता रहा हूँ भाई, मुझे तो चूल्हे के ऊपर कुछ भी बना के दे दो उसमें अलग से पता नहीं क्या टेस्ट होता है क्या नहीं होता है। और वैसे ये सच भी है यार, चूल्हे की एक अलग ही खुशबू हो जाती है, अगर चूल्हे पे दाल बनती है ना तो मैं कहता हूँ मटर पनीर भी फेल होता है, मूँग की दाल अगर बनाई जाए तो हमारी मम्मी बनाती है ना तो वो 2 घंटे पहले चढ़ा देती हैं उसको, वो धीरे 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 बॉयल होती है, वैसे स्वाद ख़त्म क्यों हो जाता है कुकर वगैरह में दाल का, क्योंकि उसके अंदर सीटी लगती है, वो अच्छे से पकती नहीं है, सिर्फ वो मतलब एकदम तैयार नहीं होती खाने के लायक। और गैस के इस चूल्हे के ऊपर तो भाई एकदम मंद मंद आँच में अगर चलेगी तो जाहिर सी बात है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ही बनेगी। और ये देखो रेनो अपने काम पूरे निपटा करके अभी आ गई है इधर, ये कह रही है ऐसे क्या किया है, कुछ मसाले वगैरह तो डालते
लेकिन हमने तो कर दिया। तो जी आज की सब्जी और आज का रात का खाना हमने ही बना दिया, रोटियां बनाएगी रेनू अभी। चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।